पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल के द्वारा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो जीएसटी लगाई गई है, उसके बाद से अभी तक व्यापारी प्रताड़ित है और व्यापारी परेशान है। उन्होंने जीएसटी में अभी भी बदलाव करने की मांग करते हुए कहा है कि जो समस्याएं व्यापारियों की सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान कराया जाए। कटरानाज स्थित कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में अन्य व्यापारी गण भी मौजूद रहे, जिन्होंने जीएसटी को लेकर अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखी। आज प्रेस वार्ता है, वो जीएसटी के लिए है, जिसमें व्यापारियों को बुलाया गया है और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जीएसटी के जो रूप गलत होते जा रहे हैं उसके लिए है। जीएसटी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम गाजियाबाद से या हापुड़ से या गजरौला से कहीं से माल लाते हैं और 40-50 हज़ार रुपये का, तो उस पर ऑलरेडी जीएसटी दे के आते हैं, वो हमने उस व्यापारी को दे दी। वो व्यापारी अगर भाग जाता है वहाँ से या कहीं चला जाता है और जीएसटी जमा नहीं करता, तो उसकी जीएसटी की पेनल्टी हम पे पड़ेगी। जबकि हमारा कहना ये है, जब आप गवर्नमेंट ने उसे रजिस्ट्रेशन दिया है और जीएसटी नंबर दिया है, तो उस पेनल्टी का हम जिम्मेदार क्यों हैं? हमने तो गए, कोई रिश्तेदार थोड़ी नहीं है हमारा, हमने पैसे दिए, अपना माल लिया और बिल लिया, हम आ गए। और इस तरह ये नियम बिल्कुल गलत है, जो न्यायोचित नहीं है। और जीएसटी विभाग को चाहिए कि जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल में नहीं जाकर स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 15 दिन में 20 दिन में 25 दिन में 1 महीने में सर्वे होता है, और सर्वे वाला आदमी भी जब काफ़ी दूर से आता है तो कुछ ना कुछ उसे भी चाहिए, तो हमारा उससे उत्पीड़न होता है और रिश्वत को का विकास होता है। 90% व्यापारी ऐसा है कि ऑनलाइन या किसी नोटिस का रिप्लाई या रिफंड के लिए अप्लाई इंग्लिश में कर सके, जबकि विभाग इंग्लिश में जवाब मांगता है। व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है, व्यापारी हिंदी जानता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी जानते हैं, अगर हिंदी भाषी स्टेट है तो समस्त कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।